ऐसे आए हैं। अभी एक ओपनिंग सेरेमनी हुई है जिसमें राष्ट्रकथा शिविर जो प्रासला गुजरात में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसमें जम्मू संभाग से 100 बच्चे और उनका 5 स्टाफ जो है टीचर्स उनको भेजने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से CRPF के द्वारा हमारे IG और DIG साहब ने के डायरेक्शंस में बताया गया था, तैयार करके उनको इक्विप करके उस कथा शिविर में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा जाए। इसी क्रम में हमारे 100 बच्चों को पूरा इक्विप किया गया, यहाँ से उनके स्टाफ के साथ उनको अपने स्टाफ उनके साथ भेज करके उनको अभी के अभी ओपनिंग सेरेमनी करके उनको उस राष्ट्रकथा शिविर में पार्ट लेने के लिए गुजरात राजकोट के लिए रवाना किया गया। ये राष्ट्र हर साल होता है, इसमें कई चीज़ें सिखाई जाती हैं, कई इंडियन पर्सनैलिटीज़ के लेक्चर्स होते हैं, कई चीज़ों को एक्सपोजर होता है जो बच्चे वहाँ जा कर के सीखते हैं, और इसी में पूरे भारतवर्ष पूरे इंडिया में डिफरेंट स्टेट से बच्चे भेजे जाते हैं और सभी फोर्सेज NDRF CRPF BSF IDP सब पार्टिसिपेट वहां पर करते हैं और हाईली इंफॉर्मेटिव होता है। ये 11 से लेकर 19 तक होगा और 21 को बच्चे वापस यहां पार्टिसिपेट करके लौट करके आएंगे। डायरेक्शन ऊपर से जैसा कि डायरेक्शन आया हुआ था, 23वां कथा शिविर प्रासला करके राजकोट में हो रहा है और ये हर साल होता है। ये एक वैदिक ट्रस्ट मिशन है और इसमें हर साल जो भी मैंने अभी आपको पढ़ के बताया था NDRF, CRPF, CISF की टीम में बच्चे चाहूँ ऑल इंडिया से जाते हैं यहाँ पर, उसी क्रम में जम्मू से भी 100 बच्चों का और स्टाफ के साथ इनको भेजने के लिए डायरेक्शन मिला था। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और CRPF ने हम लोग को बताया था। इसमें 4 बटालियन के संजोग से 25-25 बच्चे उनका एक एक स्टाफ के साथ में 76 बटालियन 38 बटालियन और 107 बटालियन और 72 बटालियन जो राजौरी में है उनके कमांडेंट आ नहीं सके और दूर है यहाँ से, इसलिए तो उन सबको हमने 25-25 बच्चे तैयार करके उनको बिल्कुल इक्विप करके किट आइटम्स वगैरह के साथ में उनका पूरा खाने पीने का खर्चा उनकी टिकटिंग वगैरह कंप्लीट पूरा प्रोग्राम चॉक आउट करके उनको हम कथा शिविर में पार्ट लेने के लिए भेज रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एक ये कैंप होता है ये जो हर साल लगाया जाता है और इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं और बड़ा अच्छी अच्छी बातें अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं और उसी क्रम में हम अपने बच्चों को जम्मू संभाग से यहाँ से 100 बच्चे भेज रहे हैं और ये 19 तारीख तक चलेगा और फिर 21 तक बच्चे लौट करके आएंगे, फिर उनका फिर अब कंसर्न अपने अपने जगहों पर उनको भेज दिया जाएगा। यही इसका उद्देश्य है आज का और इसी का ओपनिंग सेरेमनी के लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जय हिंद सर, माई सेल्फ जिया चाडक फ्रॉम क्लास 12th एंड आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मैलपुर सांबा। हम आज कथा शिविर यात्रा पे 38 बटालियन CRPF की तरफ से जा रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइम है CRPF की तरफ से जो हम कथा शिविर पे जा रहे हैं और हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम गर्ल्स भी हर जगह इन्वॉल्व हो सकती हैं और दिस इज़ अवर फर्स्ट टाइम एंड आई एम वेरी लक्की कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलने को मतलब कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिकॉज आजकल तो गर्ल्स को पीछे ही किया जाता है जहाँ भी हो कि गर्ल्स नहीं जा सकती बॉयज, बट मेरी जहाँ तक हमें सोचना चाहिए कि गर्ल्स को भी आगे करना चाहिए हमें और यहाँ पे हमें जाने से बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। हमारा मेन एम यही रहेगा कि हम वहाँ जाके कुछ सीखें।